और शाकाहारी भोजनालय श्याम होटल पे। तो आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। श्याम जी कैसे हैं? बढ़िया। क्या चल रहा है? अभी कोई ढाबे पे आ रहे हैं लोग की नहीं आ रहे? तो ये लॉकडाउन के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सही कर रखा है। अच्छा, इस वक्त पहले अपने ढाबे पे कितने लोग आते थे? कितने? डेली? तो डेली इनकी 6-7 हजार रुपए की सेल थी। अच्छा, एक चीज बताइए, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि सुबह से शाम तक क्या करते हैं आप? सुबह से शाम तक कुछ नहीं करते, खाली बैठ कर खाना खाते हैं। अभी आपको लग रहा, समझ में आ रहा है कि जो लॉकडाउन है ये इस वक्त देश को बीमारी से बचाने के लिए? जी हाँ, बहुत बढ़िया है। तो आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मास्क अभी हटाया है, हाँ फिर पहनते हैं। क्या कहना चाहते हैं देश को आप? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? जयराम जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जयराम जी जो है वो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये हमने अक्रॉस देखा भी है, जनकी बात के सर्वे में भी देखा है कि कैसे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके प्रति इस वक्त लोगों के मन में एक विश्वास है कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो देश से उठाए जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग सब इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या जोर से थोड़ा बोलिए। बिल्कुल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आसपास गांव भी सब फॉलो कर रहे हैं? कर रहे। तो आप देख सकते हैं कि बाजू में ढाबे के गाँव भी है वो भी इस वक्त लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अब मैंने जैसे कहा आपको, मैं कोशिश देखता हूँ कि यहाँ पे ट्रक पार्किंग शो तो मिल रहा है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? किधर है आपका घर? अपना ये सामने कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा पास आ जाइए, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। देख सकते हैं बहुत पर्सनल बात चल रही है इनकी फोन पे। एक मिनट का इनसे समय लिया है, बहुत बिजी है ये फोन पे। आइए ना जरा इसे बताओ भाई। अच्छा, तो अभी ये आपका ट्रक चल रहा है? हाँ चल रहा है भाई। किधर से किधर तक चल रहे हो? अपने एमपी चल रहा है। एमपी? एमपी हाँ, इंदौर के पास। अरे तो इंदौर के तो हम ही रहने वाले। इंदौर से कहाँ तक ये कहाँ जाए? धामनोद। हाँ। क्या इसके अंदर क्या भर के ले जा रहे हैं? तो खाली है फिलहाल, वहाँ से तरबूज लेके आ रहे हैं। अच्छा, तरबूज लेके आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, अभी जब हाईवे पे ढाबे तो इतने सारे बंद है, तो आप लोग हाईवे पे रेस्ट कैसे करते हैं? रेस्ट कहाँ करें, अपने खाना बनाते हैं, खाते हैं। नहीं तो फिर खाना तो जैसे वहीं से चलते हैं, पूरा बना के लेके आते हैं? नहीं, अपने पास बर्तन है। अच्छा, बर्तन है। और बनाते कैसे फिर? अपने गैस पे बनाते हैं। तो गैस भी है? और क्या। तो पहले तो ढाबे पे रुक जाते थे ना? पहले ढाबे रुकते थे, ढाबे पे नहीं मिल रहा था, बड़ा खाते हैं। अच्छा अच्छा, इस वक्त आप सभी लॉकडाउन का उधर गांव में सब लोग समर्थन पालन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो आपने वो नहीं पहन रहे मास्क जैसे हमने मास्क पहना है? दिखाइए कहाँ आपका मास्क, दिखाइए ना ऊपर का। तो ये देख सकते हैं उनको। क्या देश को क्या कहना चाहते हैं आप लोग? ट्रक वाले इस वक्त क्या सोच रहे हैं? देश को कहना चाहते हैं, कोरोना का पालन करो, ठीक है, जब ये इलाज खत्म होगा, इससे पहले नहीं होगा ये। तो ये कह रहे हैं कि कोरोना का पालन करो। ये आप तो देख सकते हैं कि ये धामनोद से चला था और इस वक्त हम हरियाणा में है, तरबूज ला रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि ये इस वक्त जो एसेंशियल आइटम्स हैं, सब्जी है, फल है, ये जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाया जा रहा है इसके साथ। इसीलिए ट्रक जो है यहाँ पे इनकी जो फेस है वो अलाउ की गई है। अब वो ट्रक वाले अपने साथ में गैस, फल और सब्जियां रख रहे हैं, खुद ही खाना बना रहे हैं। पहले ढाबे पे रुक जाते हैं, पेट्रोल पंप पर सन्नाटा है, आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सब रुकी हुई है। यहाँ पे इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बस यहाँ पे कोई खाली है, इधर भी एक खाली है, पूरे ट्रक आप देख सकते हैं खाली पड़े हुए। तो तो वैसे वरना कि आसपास गांव के ट्रक वाले हैं क्या? हाँ आसपास ही है।
अधिकतर रेवाड़ी की, तो आप देख सकते हैं अधिकतर रेवाड़ी की ट्रक है, तो ऐसे अभी इनका आना जाना शुरू नहीं हुआ। लॉकडाउन तो अभी पर सरकार ने तो कई सब्जियों का फल का इनका मूवमेंट दे दिया, तो अच्छा तो ये देखिए कंपनियों में जो चलने वाले ट्रक हैं वो अभी इस पर यहीं रुके हुए हैं, और जब तक कंपनियों के चलने वाले ट्रक नहीं शुरू होंगे तो अधिकतर फल सब्जी और ये सब एसेंशियल आइटम पर मान लीजिए कि अगर एक राज्य से और तो वो भी दूसरे राज्य में जा रहे हैं, ये सब जो है वो कंपनी के जरिए होता है, तो जब तक कंपनी शुरू नहीं होगी तो इनका भी मूवमेंट जो है वो शुरू नहीं होगा। तो ये अशोक लीलैंड का ट्रक है, आप देख सकते हैं ये जो पूरे ट्रक है, जो पूरे ट्रक चलाने वाले ये आसपास के गाँव में है।